सामने अभी हम 17 फीट 0 इंच एंड 40 फीट 0 इंच हाउस डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम ऐसे डोर यहाँ पर क्रिएट करेंगे ऐसे, यहाँ पर डोर देखिए, इधर भी डोर। नेक्स्ट इधर डोर, नेक्स्ट इधर डोर कम गेट, एंट्री। तो उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम देखिए और एक डोर हम इधर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम गेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोजेबल गेट। इधर भी एक गेट आएगा, एक्चुअली जो स्टार्टिंग इधर से आएगा, तो इधर से आपको आप स्टेयर के ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम इसका जो है कलर ऐड करेंगे यहाँ पर ऐसा आउटसाइड वॉल। ओके, इसके बाद इधर भी हम छोटा सा एक वेंटिलेटर यूज़ करेंगे, इधर हम एक विंडो यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बैक साइड में कोई विंडो नहीं यूज़ करेंगे या वेंटिलेटर हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए इंटरनल पार्टीशन वॉल, यहाँ पर एक हम छोटा सा वेंटिलेटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम एक ही विंडो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो इससे आपका जो खर्चा है और जो इसका जो टोटल कॉस्टिंग बिल्डिंग बनाने का जो कॉस्ट आएगा, तो उसको आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद ऐसे आएगा इधर। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन वॉल, जिसका विथ 5 इंच यानी 1.5 mm, ओके 0.125 mm मीटर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड में देखिए यहाँ पर एक विंडो क्रिएट करेंगे, इधर हम कोई भी विंडो क्रिएट नहीं करेंगे। इधर हम छोटा सा एक वेंटिलेटर रखेंगे, यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन वॉल, इधर भी इंटरनल पार्टीशन वॉल, सब कुछ यहाँ पर हमने कर दिया है। उसके बाद सब करने के बाद हम यहाँ पर ऐसे W सिंबल से विंडो यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऊपर में एक छोटा सा वेंटिलेटर रखेंगे, यहाँ पर विंडो ओपन किचन का, यहाँ पर रूम का एक विंडो। जिस साइड पर आपको विंडो और डोर मॉडिफाई करना है, तो आप करके घर बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी छोटा सा विंडो रहेगा, इधर भी हम विंडो क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम वेंटिलेटर क्रिएट करेंगे। तो कहाँ पर डोर विंडो वेंटिलेटर हमें क्रिएट करना है, वो भी हम इस ड्राइंग के अंदर दिखाएंगे अभी। तो जैसे हमने यहाँ पर जो प्लानिंग अभी आपके साथ शेयर किया है, यहाँ पर 17 × 40 फीट टोटल इसके स्क्वायर फीट 680। ओके, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो जगह है 3 फीट 6 इंच वाइड, ओके यहाँ पर जो डिस्टेंस है 7 फीट 0 इंच वाइड, स्टेयर इधर से आएगा, तो इधर हमें 3 फीट जगह मिलेगा और इधर हमें 4 फीट जगह मिलेगा। तो इधर से घर के अंदर सब जा सकते हैं इधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पोजीशन है
फोर फीट 0 इंच, यहाँ पर लॉबी, यहाँ पर लैंडिंग का नीचे से आप जाएंगे, इसलिए हमने लैंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए इधर से आएंगे, यहाँ पर हमें फास्ट स्टीयरिंग में बेडरूम, यहाँ पर टॉयलेट प्लस बाथरूम, फोर फीट 6 इंच, एंड इधर 6 फीट। यहाँ पर जो है इलेवन फीट 3 इंच, एंड इधर 10 फीट 0 इंच यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ओपन किचन प्लस डाइनिंग प्लस ड्राइंग एरिया, टोटल इसका लेंथ इधर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंच इधर मिलेगा, और इधर 11 फीट 8 इंच इधर मिलेगा, फोर फीट 3 इंच हमें इधर मिलेगा। किचन एरिया इधर 6 फीट वाइड और इधर 7 फीट वाइड। नेक्स्ट यहाँ पर जो वाइड है थ्री फीट 6 इंच यहाँ पर रहेगा पूजा या गॉड रूम। डिस्टेंस 4 फीट 10 इंच, एंड इधर डिस्टेंस आपको 5 फीट 9 इंच देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट फ्रंट साइड में एक बेड कम स्टडी रूम, एट फीट 9 इंच, एंड इधर 10 फीट 6 इंच। ऐसे जगह मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इधर हमें कॉलम देखने को मिल जाएगा। जस्ट हमने यहाँ पर एक कॉलम का पोजीशन दिखाएंगे, अगर आपको इससे भी इसको चेंज करके कॉलम पोजीशन चेंज करना है तब करके घर बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तब चेंज करके आपका जो डिज़ाइन है आप खुद रेडी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आउटसाइड बाहर का जो वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल, इधर भी 5 इंच मिलेगा, इधर हमें 5 इंच मिलेगा। कॉलम साइज यहाँ पर 10 बाई 10 इंच का कॉलम मिलेगा, फोन नंबर्स 12 mm टॉर यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको G+1 बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्डिंग कॉस्टिंग यहाँ पर बिल्डिंग कॉस्ट टोटल आपको 10 लाख प्लस खर्चा आ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस ड्राइंग। तो प्लान पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।